सो हे नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और आज मैं आपसे बात करूंगा टैग की तरफ से आने वाली टैग स्मार्ट वॉच टैग वॉर। सो यहां पर इस स्मार्ट वॉच को मैं ऑलमोस्ट 7 डेज के ऊपर से यूज कर रहा हूं और यहां पर आप लोगों को मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि ये जो टैग की वॉच है टैग वॉर, ये हमें टैग ने भेजा था फॉर रिव्यू यूनिट और एक ही यूनिट भेजा था और आप लोग के सामने टेस्टिंग करके सारी बात बता रहा हूं और यहाँ पर सब कुछ अनबायस तरीके से होगा, सब कुछ आपको सही तरीके से बताएंगे कि किस तरीके से यह स्मार्ट वॉच आपको देखने मिलती है। सो यहाँ पर इस तरीके का आपको कुछ बॉक्स देखने मिल जाता है। सो बॉक्स के साइड में आपको देखने मिल जाएंगे कुछ की स्पेसिफिकेशन। यहाँ पर आपको फुल टच स्क्रीन देखने मिल जाती है, IP68 वाटरप्रूफ देखने मिल जाता है और 10 डेज की वर्किंग टाइम देखने मिल जाता है। मोशन सेंसर है। उसी के बाद में इस तरफ यहाँ पर मल्टी स्पोर्ट्स मोड, ब्लड ऑक्सीजन जो यहाँ पर ये मेजर कर पाएगा और यहाँ पर और भी कुछ ऐसे बातें लिखी गई है। बॉक्स जब फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो वहां पर आपको आपकी स्मार्ट वॉच और उसी के बाद में उसका स्ट्रैप देखने मिल जाएगा, तो आप उसे बाहर निकाल के कनेक्ट कर सकते हो। उसके नीचे आपको इसका चार्जिंग डॉक देखने मिल जाता है, एक मैनुअल कार्ड आएगा और एक यहाँ पर गिफ्ट कार्ड टाइप में कुछ देखने मिलता है। तो यहाँ पर जो आपको सबसे पहले जो स्ट्रैप देखने मिलता है ये आता है सिलिकॉन रबर बैंड देखने मिलता है। उसी के बाद में यहाँ पर आपको जो डायलर है वो आपको पूरा ऑलमोस्ट मेटेलिक कह सकते हो वो देखने मिलता है। सो यहाँ पर जो वॉच है बेसिकली ये वाला जो सेशन है थोड़ा सा ज्यादा हैवी कह सकते हो पर प्रीमियमनेस काफी अच्छी देखने मिलेगी। सो यहां पर इसे लेकर मुझे कोई शिकायत नहीं लगी। जो स्ट्रैप है वो भी काफी अच्छे देखने मिले मुझे और ये जो स्ट्रैप है ये थोड़ा सा अलग देखने मिलता है। इस तरफ आपको मेटेलिक पार्ट देखने मिलता है और जब आप इस स्ट्रैप को बाहर की तरफ नहीं आपको अंदर की तरफ इसे रखना है तो जिसकी जरिए ये होल्ड वगैरह हो जाएगा। सो ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी इस वॉच की मुझे काफी अच्छी देखने मिली। अगर मैं इसे नंबर देना चाहूंगा 10 में से यहाँ पर इसे मैं आराम से 7.5 नंबर दे सकता हूँ। सो यहाँ पर एक बात बता देना चाहता हूँ, जो टैग जो ब्रांड है वो इंडियन ब्रांड है, दिल्ली बेस्ड कंपनी यहाँ पर आपको देखने मिलती है। सो यहाँ पर अभी बात करेंगे किस तरीके से आपको इसे कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको ये iOS और साथ में एंड्रॉइड दोनों के अंदर कंपैटिबल है, दोनों के अंदर आप रन कर सकते हो। तो मैंने इसे कुछ दिन iOS के अंदर भी रन किया था और कुछ दिन अपने एंड्रॉइड के अंदर भी रन किया था, तो दोनों के अंदर आराम से ऐप चलता है, कोई टेंशन नहीं है। सो यहाँ पर आप जो एप्लीकेशन यूज करोगे वो आपको प्ले स्टोर iOS दोनों पे मिल जाएगा, ऐप स्टोर पर, जिसका नाम है वाई फिट। वो आपको डाउनलोड करनी है और उसके बाद में आपको अपने स्मार्ट वॉच को अपने फोन के साथ कनेक्ट कर सकते हो उस ऐप का यूज करके। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको इसका इंटरफेस देखने मिल जाता है और यहाँ पर आपको सबसे पहले स्टेटस देखने मिल जाएगा, जो कैलोरी बर्न, डिस्टेंस, आप कितना चले हो, हार्ट रेट सेंसर, स्लीप ट्रैकिंग, ब्लड ऑक्सीजन, यहाँ पर आपको वो सब चीजें देखने मिल जाती है। फिर यहाँ पर आपको वर्कआउट के लिए अलग अलग सेशन देखने मिल जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो डिस्प्ले आपको देखने मिलता है 1.4 इंचेस का आपको डिस्प्ले मिल जाएगा, IPS डिस्प्ले मिलता है, फुल टच कंट्रोल है, सब जो भी आपको करना है वो सब यहाँ पर आप कर पाओगे टच के वगैरह के थ्रू। तो अब यहाँ पर बात करें इंटरफेस की, जो टच जो वॉच के अंदर हमें इंटरफेस मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ था, मुझे किसी भी तरीके से लैगी देखने नहीं मिला। सो वो मेरा पर्सनल फेवरेट रहा और जैसे आप देख सकते हो इजी एकदम आराम से यहाँ पर कर पाओगे। 3099 रुपीज़ में आपको अमेजोन पर देखने मिल जाएगा। एक तो ब्लैक कलर आपको देखने मिलता है और एक पिंक कलर आता है और एक आई थिंक सो ग्रीन कलर भी आता है, तो इसके 3 टोटल कलर वेरियंट आपको देखने मिल जाएंगे। IPS 68 की यहाँ पर आपको सपोर्ट देखने मिल जाएगा, तो इस वॉच को पहन के पानी में भी कूद जाओ, 1.5 मीटर तक का पूरा सपोर्ट मिलेगा, तो स्विमिंग वगैरह में भी लेके जा सकते हो इस स्मार्ट वॉच को। सो यहाँ पर वॉच पर आपको एक साइड में बटन देखने मिलता है बस, और नीचे की तरफ आपको सेंसर देखने मिल जाते हैं जिसके अंदर आपका हार्ट रेट सेंसर और ब्लड ऑक्सीजन का जो लेवल आपको मेजर करना है वो भी आपको सेंसर नीचे मिलते हैं। तो वो आपको मेजर करना है तो आप वॉच के अंदर डायरेक्ट देख सकते हो या फिर आप अपने मोबाइल का यूज करके भी सब कुछ आप पता कर पाओगे वहां पर। सो यहाँ पर वॉच के अंदर आपको मल्टी स्पोर्ट्स मोड भी देखने मिल जाते हैं, बेसिकली वहां पर रनिंग हो गया, इंडोर रनिंग हो गया, आउटडोर रनिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, क्लाइंबिंग हो गया, वेट लिफ्टिंग हो गया, योगा हो गया, इस तरीके के कुछ ऐसे मल्टी फीचर्स मिलते हैं। तो जहां पर जब आप वो एक्सरसाइज करने बैठोगे तब अगर वहां पर आप इसे एक्टिवेट करोगे तो उस हिसाब से आपको डेटा निकाल के देगा, जो काफी ज्यादा अच्छा देखने मिला मुझे। सो यहां पर बात करें डेटा एक्यूरेसी की, तो जब मैं रनिंग और साइकिलिंग कर रहा था उसके बाद में यहां पर मैं वॉकिंग कर रहा था, तो ये तीनों का डेटा जब मैंने चेक किया, मैंने दूसरे वॉच के साथ में भी इसे कंपेयर किया, सो जो डेटा है ऑलमोस्ट सिमिलर निकल कर आता है। तो ये भी चीज यहां पर आपको सही से देखने मिल जाएगी टैग की तरफ से। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने नहीं मिलता है। सो मेरा वो पर्सनल फेवरेट है, अगर मैं किसी भी वॉच को देखने जाऊँ, जो चाहिए तो भले 2 दिन का बैटरी बैकअप कम कर दो, आई डोंट केयर, पर मुझे यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले थोड़ा सा तो थोड़ा बट देखने मिले, जो काफ़ी सही निकल कर आता है, बट यहाँ पर वो चीज़ें नहीं है। सो
लेट्स सी यहाँ पर कभी मे बी फ्यूचर अपग्रेड के अंदर कुछ निकल कर आ जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। सो अब यहाँ पर अगर आप इसे बटन को प्रेस करते हो या फिर अगर आपको टाइमिंग देखनी है तो नीचे इस तरीके से रखो अपने चेहरे पे लो तो आप देख सकते हो टाइमिंग ये दिखाना स्टार्ट कर देगा। सो यहाँ पर वॉच के फेसेस जो है आपको चेंजेस करने हैं, सो आप वॉच के अंदर भी कर सकते हो या फिर आपके पास जो वाई फिट वाला ऐप है उसके अंदर जाके भी आप चेंजेस कर सकते हो। और वहाँ पर आप डायरेक्ट क्लिक करोगे तो उसे अप्लाई होने में अराउंड एक मिनट तक का टाइम लग जाएगा क्योंकि वो इंटरनेट से डाउनलोड करेगा सब, फिर वो वॉच के अंदर आपके अप्लाई करेगा, वो एक मिनट से डेढ़ मिनट तक का टाइम लेता है कभी कभी। सो अगर आपको वॉचेस की फेसेस चेंजेस करने हैं तो वो यहाँ पर आप कर सकते हो। सो 10 दिन के आसपास से मैं इस वॉच को यूज कर रहा हूँ और यहाँ पर हार्ट रेट जो सेंसर है वो मैंने ऑलवेज ऑन रखा हुआ है, मतलब आपको ऐप के अंदर वो ऑप्शन मिल जाता है कि ऑलवेज ऑन रखना है या फिर जब आप यूज करना चाहते हो तब लाइक टैप करके तब आप कर सकते हो। तो मैंने इसे ऑलवेज ऑन करके रखा हुआ है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस को मैंने फुल करके रखा हुआ है, मैंने कहीं कम नहीं किया है। और उस हिसाब से जब मैंने इसे यूज किया है वॉकिंग डेटा रनिंग डेटा वो जितना भी सारा डेटा है वो जो पूरा अगर मैं आपको बताऊं तो जो बैटरी बैकअप अगर आप ऑनलाइन देखोगे या फिर फ्लिपकार्ट के पेज पे देखोगे तो आपको 10 दिन तक का डेटा दिखाया गया कि इस तरीके से आपको देखने मिल जाएगा बैटरी बैकअप, उसके बाद में आप चार्ज कर लो नेक्स्ट टाइम। तो जो चार्जिंग के लिए आपको जो बॉक्स के अंदर जो डॉक दिया हुआ है उसके जरिए आप चार्ज कर सकते हो, इसे निकाल कर सीधा उस पर फिक्स कर दो और चार्जिंग लगा दो। और चार्जिंग होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लेता है क्योंकि इसके अंदर आपको लाइक 170 mAh की बैटरी देखने मिल जाती है। तो मैंने जितना यूज़ किया जैसे मैंने आपको सारा डेटा बताया, फुल ब्राइटनेस था और हार्ट रेट सेंसर को मैंने ऑन करके रखा हुआ था, तो इसे टोटल जो टाइम मैंने अगर मैं बताऊँ मेरे हिसाब से 8 से 9 दिन तक का कुछ तो बैटरी बैकअप देखने मिला मुझे। तो मैंने 8वें या 9वें दिन पर मैंने जाके चार्ज किया और वापस मैं इसे आगे यूज़ करने लग गया। अगर आप इस स्मार्ट वॉच को अपने मोबाइल के साथ कनेक्टेड रखते हो तो आपने अपने फ़ोन के अंदर सबसे पहली बात तो जो ब्लूटूथ है वो ऑलवेज ऑन करके रखना होगा जिसके जरिए भाई दोनों कनेक्टेड रहेंगे। सो उस दौरान अगर आपको व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आते हैं या फिर कॉल्स आते हैं तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपकी वॉच एक दो बार वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देगी। तो वहाँ पर आप कॉल एंड कर सकते हो या फिर साइलेंट कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर आपको कोई स्पीकर वगैरह या माइक देखने नहीं मिलता है, लाइक यहाँ पर आप उठा के बोल सकते हो बात कर सकते हो वो फीचर नहीं मिलेगा, बस आप साइलेंट कर पाओगे या फिर आप कट कर पाओगे। और इसके बाद में आपको कुछ ऐसे डेडिकेटेड ऐप होंगे जो आपको लगते हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप हो गया मेरे केस में और इंस्टाग्राम हो गया और यूट्यूब के कमेंट्स हो गए, वो अगर जब नोटिफिकेशन आएंगे फोन के अंदर और मैं फोन मेरे वॉच के अंदर वो मुझे विजिबल हो जाएंगे, बस मैं उन्हें रीड कर पाऊंगा ना मैं रिप्लाई दे सकता हूं क्योंकि ऑफकोर्स इतनी छोटी सी स्क्रीन में आप कैसे टाइप करोगे, तो बस आप देख सकते हो कि किसका मैसेज आया और किसके नोटिफिकेशन आ रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर यूज़ की है और सभी में मुझे सही देखने मिला। तो यहाँ पर और भी कुछ ऐसे फीचर्स थे, फॉर एग्जांपल अगर आप इस वॉच के जरिए फॉर अपने फ़ोन के अंदर क्लिक्स लेना चाहते हो तो यहाँ पर आप उसे कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने मिल जाएगा। और उसी के बाद में यूट्यूब हो गया या फिर कोई दूसरे म्यूज़िक प्लेयर्स हो गए उस पर अगर सॉन्ग प्ले करते हो तो यहाँ से आप इन्हें स्विच कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो अपने मोबाइल को, मतलब बेसिकली कंट्रोल कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पर आपको देखने मिलती है। और फॉर एग्जाम्पल आपने अपना फोन किसी ऐसे कोने में छोड़ दिया और अभी आपको फोन अपना मिल नहीं रहा तो आपको अपने स्मार्ट वॉच के अंदर फाइंड माई फोन रहेगा, उसे आपको टैप करना है तो आपका भाई साहब ये जागना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आवाज करने लगेगा। तो सबसे पहले प्रोज जो देखने मिले मुझे इस वॉच की, जो बिल्ड क्वालिटी मुझे काफी ज्यादा अच्छी देखने मिली, इसका जो डिस्प्ले है वो भी ज्यादा अच्छा देखने मिला, पूरा जो बिल्ड है यहाँ पर ये जो वॉच का ये मेटेलिक फ्रेम देखने मिलता है जो काफी सही था। और साथ में ये जो वॉच है वो गर्ल्स के लिए भी रिकमेंडेड है, आराम से उनके हाथों में अच्छे दिखेंगे और फिट भी आराम से हो जाएंगे। सो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए यहाँ पर आपको देखने मिलते हैं। और उसी के बाद में अगर कुछ बात करें कॉन्स को लेकर तो यहाँ पर देखो सबसे पहला तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने नहीं मिलता है जिसके जरिए मुझे लाइक अभी मुझे हर टाइम लाइक ये बंद पड़ी रहती है तो ऐसा दिखता है लगता है कि लाइक कुछ पहना ही नहीं है, एटलीस्ट थोड़ा सा तो रहे, एटलीस्ट 10% की ब्राइटनेस तो भले 10% की ब्राइटनेस बट रहे जरूर। तो यहाँ पर कंप्लीट रिव्यू के अंदर मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली इसे परचेस कर सकते हो, टैग की तरफ से हमें देखने मिलती है, इंडियन ब्रांड हमें यहाँ पर देखने मिलता है। सो अगर आपको इसे परचेस करना होगा तो अमेजोन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो भी ऑफर्स वगैरह में हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है तो जो बेस्ट प्राइसिंग होगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके इसे परचेस कर सकते हो। और एक बात, उन्होंने सिर्फ मुझे प्रोडक्ट भेजा था रिव्यू के लिए तो मैंने यही कह दिया था कि भाई जो अच्छा है अच्छा बताएंगे, जो बुरा है वो बुरा बताएंगे, और उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी सो उन्होंने भी यहाँ पर अग्री कर दिया। सो होप सो गाइज यहाँ पर ये वीडियो और ये रिव्यू आप लोगों को पसंद आया होगा। सो उसके लिए वीडियो का जो लाइक का टारगेट उसे कंप्लीट जरूर कर देना। बाकी गाइज मैं मिलता रहूँगा आपको और भी इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में। सो दोस्तों आज की इस टेक की पाठशाला में मेरी तरफ से बस इतना ही।